एक जरूरी सूचना, सरहद के पास एक प्राइवेट जहाज से हथियार और बारूद का गैरकानूनी जखीरा फेंका गया। बारूद के फट जाने से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हो गए। हथियार किसने उतारे, जहाज किसका था, इस बारे में कोई पता नहीं चला। हमारा बिजनेस है क्रिकेट, टेनिस और रेस के मैदान में बेटिंग करना, कैसीनोज में गैम्बलिंग करवाना, मगर तूने फॉरेन एजेंसीज के हाथों बिककर सिर्फ 2 करोड़ रुपयों के लिए हमारे ही प्राइवेट प्लेन में हथियार और बारूद का जखीरा उतारने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ कर दीजिए कुमार साहब, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तेरी लालच की वजह से 700 मासूमों की जाने गई, हजारों गरीब जख्मी हो गए, और जिस जगह तूने बारूद और आरडीएस का जखीरा फेंका, पूरा का पूरा गांव बर्बाद और तबाह हो गया। प्लीज कुमार साहब, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हम तुझे माफ नहीं करेंगे, बल्कि तुझे सजा देंगे, अपने बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की सजा, बेगुनाह इंसानों की मौत की सजा, देशद्रोहियों से मिलकर देश के साथ गद्दारी करने की सजा, और वो सजा होगी सजाए मौत। आलोक जी कुमार साहब, उस हवाई जहाज को चलाकर खाक कर दो और इसे खत्म कर दो। कुमार साहब, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि रवि आयरन एंड स्टील कंपनी ने प्रोडक्शन के मामले में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस साल हमें 10 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। आय शाबाश, हम खुश हुए। फिर तो उस कंपनी के तमाम स्टाफ को 3 महीने का बोनस दे दो। गुड आइडिया सर। और वसाई में रवि नगर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल से इस महीने में ही सारे फ्लैट्स हैंडओवर कर दिए जाएंगे। फिर तो हमें पवार साहब को उद्घाटन के लिए बुलाना चाहिए। ओह वंडरफुल। लेकिन सर, लंदन की एक कंपनी से रवि गारमेंट्स और एक्सपोर्ट्स को मिला हुआ एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि अंबानी गारमेंट्स हमसे आधी कीमत पर ये सारा माल सप्लाई करने के लिए तैयार है। कांट बिलीव इट। इसके मायने के मैदान में हमारा एक कॉम्पिटिटर और पैदा हो गया। आलोक एक काम करो, अंबानी गारमेंट्स के जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लो। गुड आइडिया सर। अरे कुमार साहब, कुमार साहब, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? माफ करिए कुमार साहब, मैं जानता हूं कि आपको हम जैसे लोगों का यहां आना पसंद नहीं है, पर मेरी मजबूरी कुछ ऐसी है। बापी पुलिस ने मेरा सारा का सारा माल पकड़ लिया है कुमार साहब, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वरना मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा साहब। तुम्हारे करोड़ों के नुकसान से कहीं ज्यादा कीमती हमारे उसूल हैं, जिन्हें किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस 4 दीवारी के अंदर हमें अंडरवर्ल्ड की हवा तक पसंद नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन कुमार साहब, गेट लॉस्ट। चलो पाशा, गेट आउट, गेट मूविंग। सुना नहीं तुमने? बास्टर्ड। अरे कुमार साहब, चाहते तो मुझे नुकसान से बचा सकते थे आलोक बाबू। कुमार साहब अपनी जान दे सकते हैं, मगर अपने उसूल नहीं बदल सकते। अच्छा होगा कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ।
रुक जा सैम रुक जा। अरे क्यों मेरी नौकरी खतरे में डाला, एक चिट्ठी दे दे, निकल गया दे दे दे। अरे मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ तेरे, एक चिट्ठी दे दे, मान ले मेरी बात मान ले। अरे सैम क्या हो रहा है सब? देखिए ना बड़े साहब, ये कुत्ते का बच्चा, इसका मतलब इसके पिछले जन्म का भाई। हाँ चुपे, मेरे पेट पर लात मारने पर तुला है। बड़े साहब अगर ये रवि बाबू का काम करेगा तो मेरी फिर इस घर में क्या जरूरत रहेगी? हमारी नौकरी का तो बैल बच जाएगा। हाँ। क्या बात है सैम? हाँ, क्या? मेरा मतलब है क्या बात है सैम? खत लाए हो मेरे लिए? ओके। गुड मॉर्निंग डैड, रात आप बहुत लेट आए थे इसलिए सुबह आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ लेकिन अकेले नहीं, आपका आशीर्वाद साथ लेकर जा रहा हूँ। बाय द वे डैड, ये कार जिसकी फोटो छपी है नीलाम होने वाली है। इट्स एन अमेजिंग कार डैड, मुझे बहुत पसंद आई, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। आपका रवि। आय शाबाश, हमारे बेटे की पसंद भी हमारी तरह A1 होती है। एक काम करो आलोक, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, आज हम इसकी नीलामी में जाएंगे। आर यू श्योर सर? आपके कई जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं आज। आलोक तुम नहीं समझोगे, अब इस कार को खरीदने से ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी काम नहीं। खन्ना, कुमार साहब आए। ओ कुमार साहब, वेलकम वेलकम। थैंक यू, क्या हाल है खन्ना? मेहरबानी आपकी। अरे वाह, हमारा रवि भी कमाल का और रवि की पसंद भी कमाल की। खन्ना साहब, हम इस गाड़ी को खरीदने आए हैं। ये गाड़ी तो बिक चुकी है। किसने खरीदी? जी ये अंबानी साहब ने खरीदी है। अंबानी? हेलो कुमार। ओहो, तो तुम ही अंबानी हो भाई, बड़े मशहूर होते जा रहे हो। सुबह से लेकर अब तक 2 बार तुम्हारा नाम हमारे कानों तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द यह नाम 24 घंटे तुम्हारे कानों में गूंजेगा। अंबानी बिजनेस की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बनने वाला है। अय शाबाश, विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे अंबानी, ये कार हमें चाहिए जो तुमने खरीदी है, कीमत जो चाहे लगा दो। मिस्टर कुमार, अंबानी जो चीज एक बार खरीद लेता है उसे बेचा नहीं करता, इतना याद रखना। कुमार जिस चीज को लेना चाहता है वो चले कहीं से भी लेकिन पहुंचती कुमार के पास ही। मिस्टर कुमार, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कनेक्शन बहुत दूर तक हैं, लेकिन इतना याद रखो कि मेरी पहुंच भी दिल्ली तक है। दिल्ली यहां से बहुत दूर है अंबानी। अगर तुमने ये कार हमें नहीं बेची तो यहां से तुम्हें अपने घर तक की दूरी भी पैदल तय करना पड़ेगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ू? कुमार की चाही जो चीज कुमार तक नहीं पहुंचती वो किसी और के पास भी नहीं रह सकती। अंबानी इतना याद रख। इसमें 25 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए इस कार की कीमत और 5 लाख रुपए दिल्ली तक की दूरी तय करने के लिए। कुमार साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। बिना वजह 25 लाख रुपए का नुकसान? इसे नुकसान नहीं बल्कि शिकार कहते हैं। शिकार? एक तीर से 2 शिकार। अंबानी हमारे कंपटीशन में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, यह उसके लिए पहला सबक है। और फिर जो गाड़ी हमारे रवि को पसंद आ गई, इस शहर में सबसे पहले उसी के पास आएगी। तुम जॉर्ज को लंदन फोन कर दो और रवि के लिए सेम मॉडल की कार मंगवा दो। क्या बात है कुमार साहब, बेटे की ख्वाहिश पूरी करने वाला ऐसा बाप करोड़ों में कहीं एक ही होगा। अरे भाई, हमारा बेटा रवि भी तो करोड़ों में एक ही है। गुड शॉट, गुड शॉट।
क्यों बे बनारसी चिल्ला क्यों रहा है? बोलना कहा बताए बाबूजी, आप तो हमारी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। अबे तू अपनी बेसुरी आवाज मुझे सुनाना क्यों चाहता है यार? ऐसा है कि प्रिंसिपल साहब आपका वहीं का वहीं बुलाया है, बहुत गुस्सा में है। गुस्सा? अरे प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो रही है मेरी खोपड़ी। तुम जिस पर मुझे नाज है, इस कॉलेज का गर्व हो तुम, तुम जैसे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के बारे में ऐसी थर्ड क्लास कंप्लेन। सर पानी पानी, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं सर, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट ट्रबल भी हो सकती है। आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, मगर अपने आप पर जुल्म मत कीजिए। आपकी जान हमारे कॉलेज और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है सर। कितना सही कहा तुमने, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। आई 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 सर। ओह रिलैक्स, अब कहिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक नहीं 15 है। 15 15 लड़कियों ने इस लेटर में तुम्हारे खिलाफ सिग्नेचर दिया है, कंप्लेन की है कि तुम उन्हें छेड़ते हो। अच्छा? अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम उनसे फ्लर्ट करते हो। अच्छा? उन्हें उन्हें डराते हो, धमकाते हो कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया तो तुम उन्हें कॉलेज में बदनाम कर दोगे। ये सच है? हाँ सर ये सच है। इसका मतलब कि उन लोगों ने अपनी धमकी को सच करके दिखाया है। क्या मतलब? सर आप ही बताइए, अगर मैं इन लड़कियों को डांस क्लब में नहीं ले जाता तो क्या मेरी कोई गलती है? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं इन लड़कियों को पिकनिक पार्टी पर ले जाकर एंटरटेन नहीं करता तो क्या मेरी कोई गलती है? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं इन लड़कियों को 5-star होटल में खाना नहीं खिलाता, अपने बाप की मेहनत की कमाई उन पर नहीं लुटाता तो इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं बिल्कुल नहीं बेटे। तो फिर मेरे ये सब ना करने पर अगर ये लड़कियां आपके सामने ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आती हैं तो मेरी क्या गलती है सर? कोई गलती नहीं बेटे, कोई। तो फिर ऐसी झूठी शिकायतों को इस तरह फाड़ कर लड्डी की टोकरी में फेंक देना चाहिए सर। रिलैक्स बेटे, ये लो पानी पी लो। थैंक यू सर। देखिए सर आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गॉड की तरह हैं, आप ही के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन सर मैं एक बहुत अमीर बाप का लड़का हूं और ये सारी लड़कियां मेरे बाप के दौलत को वेश करना चाहती है। मैं अपने बाप के दिल को नहीं दुखा सकता सर, नहीं दुखा सकता। क्या हुआ सर? एक तो वो और एक वो है। वो कौन है सर? मेरा बेटा अभी लड़की के चक्कर में फंसकर अपने बाप को छोड़कर अमेरिका सेटल हो गया। 5 साल हो गए, एक बार भी उसने अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाई। देखा, देखो तुम्हें मेरा कितना ख्याल है और वो रिलैक्स। जाओ बेटे जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं जाओ बेटे, प्लीज गो। ओके। हमारी शिकायत करने की हिम्मत कहां से आई इन लड़कियों में? देहरादून से। मतलब? मतलब ये कि वो लड़की देहरादून से आई है। हाँ। और आते ही कॉलेज में लड़कियों की लीडर बन गई है। But man, she's a beauty. उसके गोरे गोरे गाल, रेशम जैसे बाल, झील जैसी आंखें। अरे भाई उसका नाम तो बता दे। उस नाजुक नाजुक कली का नाम है कोमल। कोमल? ये क्या बदतमीजी है? गिरते हुए को संभालना बदतमीजी नहीं, मदद कहलाती है कोमल। वैसे मेरा नाम रवि है, जिसकी शिकायत आपकी वजह से प्रिंसिपल तक पहुंची, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तुम अपने आप को कॉलेज का राजा समझते हो क्या? नहीं राजा नहीं, शहजादा। लेकिन कसम पैदा करने वाले की, आप जैसी खूबसूरत शहजादी का मैं गुलाम भी बन सकता हूँ। जैसे रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र हेमा मालिनी का था, है ना? शट अप।
अमीर घराने के तुम जैसे आवारा लड़के बातें बनाने में बहुत तेज होते हैं, मगर मुझे बाप की कमाई पर ऐश करने वालों से सख्त नफरत है, समझे? और अगर हम इस नफरत को मोहब्बत में बदल दें तो? नेवर। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन कोमल की जिंदगी में तुम जैसा लोफर कभी नहीं आ सकता, अंडरस्टैंड? वाह यार रवि, ये तो चैलेंज दे गई। अपना भी एक वादा है दोस्त, अगर इसके दिल को अपना दीवाना ना बनाया तो मेरा नाम भी रवि कुमार नहीं। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये रेशम जैसे बाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तू किसकी है तमन्ना, किस दिल का है तू प्यार, तू किसकी आरज़ू है, तू किसका है करार, ये दिल है बेकरार। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये रेशम जैसे बाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तेरी याद में आहे भरता हूँ ये तुझको क्या पता, दीवाना बन के फिरता हूँ ये तुझको क्या पता, तेरे रूप पे कितना मरता हूँ ये तुझको क्या पता, क्या पता। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तेरी याद में आहे भरता हूँ ये तुझको क्या पता, दीवाना बन के फिरता हूँ ये तुझको क्या पता, तेरे रूप पे कितना मरता हूँ ये तुझको क्या पता, क्या पता। ये जादू भरी आंखें तेरी किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये गोरी गोरी बाहें तेरी किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तू किसकी है तमन्ना, किस दिल का है तू प्यार, तू किसकी आरज़ू है, तू किसका है करार, ये दिल है बेकरार। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये रेशम जैसे बाल तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। एक रोज तू मेरे प्यार को पहचाने की दिल भर, सदियों से मैं बस तेरा हूँ ये जाने की दिल भर, तू आज अगर ना मानी तो कर मानेगी दिल भर, ओ दिल भर। ये नागिन जैसी चाल तेरी किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। ये भीगे भीगे होंठ तेरे किसके लिए है? तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। तू किसकी है तमन्ना, किस दिल का है तू प्यार, तू किसकी आरज़ू है, तू किसका है करार, ये दिल है बेकरार। तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम। 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 यार रवि,
लगता है तेरा जादू कोमल पर नहीं चलने वाला। कसम पैदा करने वाले की, लेकिन फिलहाल कोमल का जादू हम पर चल गया। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आप गर्ल स्टूडेंट्स के साथ सौतेला बर्ताव करते हैं। आपको रवि के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। लूंगा लूंगा, आप चिल्ला क्यों रही हैं? ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, कहीं मेरे अटैक को हार्ट ना आ जाए। हार्ट को अटैक सर? हाँ वही वही सर, उसने अपनी भोली सूरत और मीठी बातों से आपको बेवकूफ बनाया है। आई? आपकी सादगी का फायदा उठाया है। सही कहा तुमने, लेकिन अब वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकेगा। कम या। सैमी, आज मेरी जिंदगी का सबसे लकी डे है। तुम जाओ मेरी डायरी लेकर जाओ। गुड बॉय, आज मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, नाम है कोमल। स्वीट नाम है ना सैमी? मुझ पर जान देने वाली लड़कियां तो बहुत सी मिली, लेकिन किसी पर जान देने को दिल चाहे ये तो पहली बार हो रहा है। अरे मैं सीरियस हूं यार। क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, क्या चाल है। फूलों से ज्यादा नाजुक और कलियों से ज्यादा कोमल। शी इज फैंटास्टिक सैमी, शी इज फैंटास्टिक। अरे ओ डैडी। रवि, आई एम सॉरी, आज हम पहली बार अपना वादा पूरा नहीं कर सके। हम तुम्हारे लिए वो कार नहीं ला सके बेटे। ओह नो डैडी। दरअसल वो कार तुम्हारे लिए बेकार हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं रवि। हमने लंदन ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एक हफ्ते के अंदर उसी मॉडल की ब्रांड न्यू कार तुम तक पहुंच जाएगी। इन द मीन टाइम ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सैमी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि डैडी और मेरे बीच में मत आया करो। वाओ, स्विट्जरलैंड डायमंड वॉच कंपनी ने सिर्फ 3 सैंपल बनाए, उसमें से एक पीस आया हिंदुस्तान में, और वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे बेटे के लिए। वाओ डैडी, डैडी आपका जवाब नहीं, आप A1 डैडी हैं। जवाब तो तुम्हारा भी नहीं है मेरे हमदम, मेरे दोस्त, और तुम भी A1 डैडी के A1 बेटे हो। आई शाबाश। आओ, मान गए आपको डैडी, आपके तोहफे हमेशा लाजवाब होते हैं। ये तोहफा नहीं मेरी जान, रिश्वत है। रिश्वत? रिश्वत वही जो एक बाप कुछ पाने की लालच में अक्सर अपने बेटे को देता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे, चलो बैठ जाओ बेटे। इस घर में चूड़ियों की झनकार सुने एक जमाना बीत गया। ये घर औरत के बगैर बिल्कुल सुना लगता है। तुम्हारा भी कॉलेज का आखिरी साल है, और हमें चाहिए एक सुंदर सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी बहू चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। लेकिन डैडी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश जारी है और रिजल्ट जल्द ही निकलने की उम्मीद है। श्योर? 100%। गुड बॉय। बड़े साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। प्रिंसिपल साहब का फोन हमारे लिए? नहीं डैड, मेरे लिए। वो क्या है कि कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मेरे बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं जरा देखता हूँ क्या बात है। अरे अब फोन ले लिया। सैम छोड़ो छोड़ो, सैम भैया फोन छोड़ो। देखो सैम भैया, हमसे पंगा मत लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम क्या? लक्ष्मी, सैमी को मत छेड़ा करो, वरना 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और वो भी पेट में। गुड बॉय सैमी, गुड बॉय सैमी। हेलो कुमार साहब, मैं नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, फरमाइए जी। मुझे रवि के बारे में आपसे बात करनी थी। रवि के बारे में क्या बात करनी जी? ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती है, इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप कॉलेज पे आ जाएं, या फिर मैं आपके घर चला आऊं। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके पास हाजिर होता हूँ। ठीक 10:30। ये क्या रवि बाबू, फोन तो बड़े साहब के लिए था, और आपने तो बड़े साहब की आवाज में बात कर ली। अबे मैंने तो सिर्फ बड़े साहब की आवाज में बात की। हाँ? तुम्हें तो कल बड़े साहब बनकर मेरे साथ कॉलेज जाना होगा। अच्छा। यस। मैं कम इन सर? कम इन सर।
ये मेरे पिता गिर गए। सर आइए ना बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? अंडा? अभी तुमने अपने प्रिंसिपल को बताया नहीं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा वंडा नहीं खाता। अंडा? मैंने ठंडा कहा था, अंडा नहीं। हाँ हाँ वही वही वही, मैं भी अंडा ही कह रहा हूँ। मैं अंडे की बात कर रहा हूँ, ठंडे की बात कर रहा था, अंडे की बात नहीं। मैं संडे को भी अंडे नहीं खाता। डैडी रिलैक्स। वो क्या है सर? वो क्या है कि मेरे पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। आप खाने पीने की बात छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जी वो मैंने आपको मैंने आपको रवि के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वो लड़की, लड़की? आप अपनी लड़की की शादी रवि से करना चाहते हैं? आपने अपनी औकात देखी है? क्या तनख्वाह आपकी? आप जितना कमाते हैं उतने के बिस्कुट तो हमारे घर के कुत्ते खा जाते हैं। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रवि की शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत? क्या? रिलैक्स। रवि की चाहत क्या चाहता है ये? इसकी चाहत की औकात क्या है? जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे आप? अगर इसने मेरी चाहत को नहीं माना तो मैं इस लुच्चे को, लफंगे को। अरे आप क्या कर रहे हैं, जवान बेटे को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए। अरे जवान डैडी रुकिए, अब बीच में बताइए आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। पिताजी को यहाँ से ले जा। लेकिन सर, होने वाला हो, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा जो होने वाला वो होगा, यहीं से ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए डैडी, चल तू घर चल, तू आ तो सही घर में। प्लीज डैडी चलिए। क्यों छोटे बाबू, कैसी एक्टिंग की हमने? तू इतना अच्छा एक्टर है वो मुझे आज ही पता चला। बिल्कुल A1 एक्टिंग की तूने। छोटे बाबू तब तो इनाम भी हमें A1 मिलना चाहिए। अरे A1 क्या, हम तुम्हें A to Z इनाम देंगे। अच्छा जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी छोटे बाबू जल्दी। अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, जबान के अलावा हर चीज जो दुख रही है। लेकिन ये हुआ क्या, इतनी चोटें लगी कैसे? बाप जो बनने गया था। क्या? मुझे तो कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ। और वहाँ बाप बनने गया था। हाँ। खबरदार जो मुझे कभी बुलाया। हाँ। गया। बुलाता मुझे और बाप कहीं और बनने जाता है। आई, आई, अरे अरे नकली बाप बनने के चक्कर में दबाने वाली भी गई। छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक और क्या क्या छुड़वाओगे मेरा? साहब कहाँ है? आप नाश्ता कर लीजिए ना। मैं पूछ रही हूँ साहब कहाँ है? सो रहे हैं। सो रहे हैं अब तक? जी आज मुझे फैसला करना ही पड़ेगा। ये भी कोई तरीका है ना, नाश्ते पे मिलते ना रात के खाने पर? मैं तो तंग आ गई हूँ, जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब जागते हैं, जब मैं सो जाती हूँ तब घर आते हैं। ऐसा ही था तो मुझे देहरादून में पढ़ने देते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पापा 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 कहाँ है आप? इस तरह छुपने से काम नहीं चलेगा, आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आपसे बात किए बिना आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इतना सुन लीजिए। तो आप यहाँ हैं? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सेफ्टी है। सेफ्टी? सेफ्टी तुम्हारे गुस्से से बचने के लिए। तो फिर ऐसा करते क्यों है जिसपे मुझे गुस्सा आए? ओ बेटी, ऐसा है कि काम की वजह से मुझे रात को देर हो जाती है और फिर सुबह के वक्त। ये सब बहानेबाजी है, और लोग भी तो काम करते हैं, काम के साथ हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे जागना। अरे बाबा इस बार तो माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं सब काम तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से करूंगा, प्रॉमिस। हैप्पी? आप बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं पापा। टिकट टिकट
मैडम मैडम आगे बढ़ो, चलो आगे। ये लीजिए आपकी चेन। शुक्रिया। किराए के गुंडों को पीट कर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर सकते हो मिस्टर रवि कुमार। रवि कुमार? मैडम मेरा नाम रवि नहीं भरत है। हाँ हाँ, मैंने आपको नुकसान से बचाया और आपने मुझे ये सिला दिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, दूसरा थप्पड़ पड़ेगा तो सारी एक्टिंग भूल जाओगे। क्या मैडम, इसने तुम्हारा मदद किया और तुमने उसको थप्पड़ मारा? आप नहीं जानते कि मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, एक नंबर का लफंगा है, लड़कियों को पटाने के लिए नए नए तरह के ड्रामे करते रहता है। मैडम जबान संभाल कर बात कीजिए, इस तरह किसी शरीफ इंसान पर हाथ उठा। ए शाने, ये चल ज्यादा ना कर, चल उतर। ये क्या कर रहे हो, मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है। अरे आगे पीछे घूम रहे, चल चल उतर, चल इडियट, चल उतर। कोमल मैम साहब, कोमल मैम साहब, क्या है? आज का अखबार देखे हो, तुम्हारे नाम की धूम मची है। इसमें भी यही छपा है? अरे इसमें भी यही लिखा है। कोमल कोमल, अरे हट 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 हट, अरे हट भाई टकले। कोमल तू कितनी लकी है, तुझे इतना स्टाइलिश लवर मिला है। बहुत स्टाइलिश है। काश मेरा नाम भी कोमल होता। अरे मगर ये है कौन? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बरसात ने आपको भिगोकर और भी खूबसूरत बना दिया है। जी चाहता है कि आप इसी तरह भीगती रहें और मैं आपको देखता रहूं। तुम जैसा बेशरम मैंने कभी नहीं देखा। और मुझ जैसा प्यार करने वाला भी नहीं देखा होगा। शट अप। थप्पड़ खाकर भी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? थप्पड़ खाकर? हाँ वही थप्पड़ जो मैंने तुम्हें बस में दिया था। बस में मुझे? मैम साहब लगता है कि आप मेरे प्यार में पागल हो गए। हर जगह मैं नजर आता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्पिटल से घर लाने के लिए एक नई मर्सिडीज कार ली थी। अरे बस में तो मेरे नौकर भी नहीं सफर करते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो। एक बात याद रखना, तुम मेरे कदमों पर फूलों के ढेर लगा दो या शहर में मेरे नाम के पोस्टर छपवा दो, तुम्हारी इन घटिया हरकतों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यार रवि, मेरा ख्याल है तू हार मान ही ले, क्योंकि तेरी जिन अदाओं पर लड़कियां मरती है उन्हीं अदाओं से कोमल चिढ़ती है। अरे तू क्या आदमी है यार, उसकी इसी अदा ने तो हमें घायल कर दिया है। बट मिस्टर घायल, मुझे नहीं लगता वो लड़की तुम्हारे जख्मों का मरहम बनेगी। नो, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सलीम, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ने मुझे कुमार से बदला लेने का सुनहरी मौका दिया है गणपत।
कुमार के घोड़े ब्लैक स्टेलियन की जब जब तुमने सवारी की है वो घोड़ा हमेशा रेस जीता है। कल की रेस में भी तुम उसी घोड़े की सवारी कर रहे हो। जाहिर बात है कुमार उस घोड़े पर करोड़ों रुपए का दाव लगाएगा, लेकिन कल की रेस में ब्लैक स्टैलियन हार जाएगा। ये नामुमकिन है अंबानी साहब। ये 1 करोड़ रुपया नामुमकिन को मुमकिन बना देगा गणपत। कल की रेस में मेरा घोड़ा ब्लू डायमंड तुम्हारे घोड़े के बराबर दौड़ेगा। फिनिशिंग पॉइंट पर तुम कुमार के घोड़े की लगाम खींचोगे और मेरा घोड़ा जीत जाएगा। अंबानी साहब, आज तक आपने जो चाहा वो मैंने किया, लेकिन कुमार साहब के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। सोच लो, एक तरफ कुमार है और दूसरी तरफ यह 1 करोड़ का बैग, और हम जो तुम्हारी हर बेईमानी का रिकॉर्ड रखते आए हैं, हम ना सिर्फ तुम्हारी मौत बनेंगे बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। कुमार, अब तेरे को पता चलेगा कि अंबानी चीज क्या है। ब्लू डायमंड तैयार है, उस पर वजन कम है, होशियारी से चलाओगे। तुम अपना घोड़ा गणपत के घोड़े के बराबर रखना, फिनिशिंग बंदो घोड़ा खींच लेगा, तुम ही बन जाओगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लेकिन आज ये मेरे घोड़े ब्लैक स्टैलियन से नहीं जीत सकता। हेलो, अटेंशन प्लीज, एक जरूरी सूचना। हॉर्स नंबर 1 ब्लैक स्टैलियन के जॉकी गणपत की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से ब्लैक स्टैलियन की सवारी जॉकी शिंदे करेगा। हेलो अंबानी, मेरी जेब में पिस्तौल है और उसके निशाने पर तुम हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, समझे? ब्लू डायमंड जितनी फुर्ती से आगे बढ़ रहा है, ब्लैक स्टैलियन से कम नहीं, लेकिन देखते देखते ब्लैक स्टैलियन आगे निकल चुका है। ब्लू डायमंड की कोशिश में है, ब्लैक स्टैलियन आगे निकल चुका है। कुमार के साथ बेईमानी करने का अंजाम देख लिया अंबानी, इसीलिए कहते हैं बच्चे कि कुमार के साथ शतरंज खेलने का ख्याल छोड़ दो। इसलिए कि कुमार जब बाजी खेलता है तो मोहरे भी कुमार के होते हैं और चाल भी कुमार की, इतना याद रखना। और हाँ अंबानी, गेट नंबर 5 के पास जो कचरे का डब्बा है उसमें गणपत की लाश पड़ी है। हाँ? उसका क्रियाक्रम करवा देना। क्रियाक्रम तो एक दिन मैं करूंगा, कुमार के पूरे खानदान का। What a beauty, man! Mitsubishi, यार, रवि, तेरी हर पसंद हमेशा A1 होती है। बेटा, ये मेरे A1 डैडी का कमाल है। ये गाड़ी उन्होंने स्पेशली लंदन से मेरे लिए ऑर्डर की थी। सीधा एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। रवि डार्लिंग, व्हाट अ सेक्सी कार, प्लीज रवि, मुझे इसमें बिठा के एक लंबी सी ड्राइव पर ले जाओ ना। ए मोमो, शकल देखी आईने में? क्यों? इस कार में सबसे पहले मैं बैठूंगा। ये चले, चल चुप बैठ। अरे मुझे पहले मैं बैठूंगा। एक मिनट, देखो, सबसे पहले मेरी कार की अगली सीट पर मेरे साथ बैठेगी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कोमल। Come on.
ए, कोमल की जूती भी नहीं बैठेगी तुम्हारी गाड़ी में, समझे? अरे ऐसा बोलकर हमारा दिल मत तोड़िए मेम साहब, नरम नरम होठों से गरम गरम बातें अच्छी नहीं लगती। कसम पैदा करने वाले की, ये गाड़ी भी तुम्हारी है और गाड़ी वाला भी। तुम्हारे इस अमूल बटर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, कोमल अपना फैसला बदला नहीं करती। बंबई में बस की और छोकरिया की इंतजार नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब आ जाए। आए आए नहीं आए, लो बस आ गई ना भरतवा। अरे भरत कहाँ हुआ? अरे भरत रुक जाओ काका, मैं दूसरी बस में जाऊंगा। हम यहाँ क्या करेंगे? बस से क्यों उतर गया? बाद में बताऊंगा। अरे कुछ समझ में नहीं आता कोमल, ये आदमी रवि को भरत क्यों कह रहा था? कुछ समझ में नहीं आता कोमल, ये आदमी रवि को भरत क्यों कह रहा था? मैडम मेरा नाम रवि नहीं भरत है। कोमल, कोमल बेटी। हाँ? यस पापा। बेटी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? अरे रोटी खाने के बजाय तुम तोड़ तोड़ के प्लेट में रख रही हो। मैं? हाँ देखो। ये लो पानी पी लो। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं वो एक लड़का, वो लड़का कौन लड़का? कोमल तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी तो नहीं की? नहीं पापा, वो क्या है कि मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गई हूँ। कैसी उलझन? पापा ट्विंस, आई मीन जुड़वा बच्चों की शक्ल तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन क्या दो इंसान जिनका आपस में कोई रिश्ता ना हो, कोई रिलेशन ना हो, क्या उनकी शक्ल भी एक जैसी हो सकती है? वैसे कौन है ये हम शक्ल जिसके बारे में तुम इतना सोच रही हो? एक मेरे कॉलेज में पढ़ता है, अमीर घर का है, बहुत बदतमीज है वो। और दूसरा मैं उसे एक दो बार बस में मिली हूँ, सीधा सादा सा लड़का है। पापा बिलीव मी दोनों एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है। बेटी ऐसी बेकार बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। ये लो चाबी, तुम्हारी कार देहरादून से आ गई है, कल से बस की बजाय तुम अपनी कार में कॉलेज जाओगी। ओके ओके। ना 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 हो गए हमार। ना नी 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 ना नी ना नी ना नी 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 ना। सुनिए कहाँ है मेम साहब? वो लड़का जो आपके साथ कल बस में चढ़ा था, जिसे आप भरत कह रहे थे, आप उसे कब से जानते हैं? हाँ वो भरतवा, वो तो अपना बच्चा है, यही पास बस्ती में रहता है, लड़का बहुत अच्छा। लेकिन आप ये काहे पूछ रही? नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो करता क्या है? अरे करना का है, रात को कॉलेज में पढ़ता है, सवेरे सत्यम स्कूल में डांस सिखाता है।
मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, लोग यहाँ मेरी इज्जत करते हैं। मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं, माफी मांगने आई हूँ। माफी? हाँ, उस दिन बस में किसी और के धोखे से मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। आप चाहे तो मुझे दो थप्पड़ मार सकते हैं। बड़ी अजीब लड़की आप, पहले मारती है फिर मार खाने आती है। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। और गलती मान लेने वाले को माफ कर देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ जी, माफ कर दिया। सुनिए, आप बहुत अच्छा नाचते हैं, मुझे सिखाएंगे? Thank you.
रात गए तुम यहाँ? तुमसे मतलब? हाँ, लगता है तुम्हारी कार खराब हो गई है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। मेरी कार की अगली सीट अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम ऑन। मुझे तुम्हारी लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं, टैक्सी मिल जाएगी। सोच लो, रात का वक्त, अकेली लड़की और वो भी इतनी खूबसूरत, टैक्सी वाला नाजायज फायदा भी उठा सकता है। तुम जैसे गलत लोग गलत ही सोच सकते हैं। गलत हो या सही कोमल, आजकल तो हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वैसे हम एक शरीफ इंसान की तरह तुम्हें शराफत से तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, ये हमारा वादा है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। टैक्सी, टैक्सी। सोच लो, आखिरी मौका है। बांद्रा चलोगे? सॉरी मैडम, मुझे चंबूर जाना। अरे सुनो, जरा टैक्सी स्टैंड तक तो छोड़ दो। सुनिए जी, आप जानते हैं भरत कौशल का घर कहाँ है? वो पीछे वाली चाली में। ओ मैडम, ये रास्ता बंद है, पीछे से जाइए। अरे कोमल, क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? उस गली में, पीछे की तरफ। लेकिन लेकिन इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, तुम टैक्सी से घर चली जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा कर कॉलेज ले आता हूँ। ठीक है। सुनो, तुम मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलाओगे क्या? जरूर मिलाऊंगा, लेकिन इस वक्त रात बहुत हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। ओके। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है। सलाम साहब। जी आप कोमल जी को जानते हैं? मतलब जानता हूँ। ये उनकी गाड़ी की चाबी है, उनसे कह दीजिएगा कि भरत आया था। भरत? रवि साहब ही खूब मजा कर लेते हैं। भाई वाह, मान गए, तेरा हर काम A1 होता है। आखिर तूने बिल्ली मार ही ली। बिल्ली? हाँ? अरे कोमल की कार में तू आया है, इसका मतलब वो तेरी कार में आएगी, सीधी सी बात है। भाई साहब, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझ गरीब के पास कार कहाँ? गरीब? सभी डार्लिंग, कोमल की कार से तुम्हें उतरते हुए देख के तो तेरा हार्ट फेल होते होते बच गया। कभी मेरी कार में भी बैठो ना। मैडम, कॉलेज में रैगिंग होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ना तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, ना तो आप लोगों को जानता हूँ। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अबे, अरे नाटक क्यों कर रहा है? ये ठीक कह रहे सत्यजीत, ये रवि नहीं भरत है। हाँ चलेगा। तब तो इसके हाथ पर RK भी नहीं लिखा होना चाहिए। RK? Exactly. रवि के हाथ पे RK लिखा है और ये हम सबको मालूम है। हाँ। क्यों? हाँ हाँ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चल हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए। RK, RK, RK।
इसमें तो बीके लिखा है। बीके? भरत कौशल, बीके? मजाक मजाक में आप लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। अरे बच्चू, जाता कहाँ है, जिसकी शक्ल तू लेकर आया है उससे तो मिलता चल। चलो भाई ये लो। कोमल कोमल, अच्छा हुआ तू आ गई। रवि के दोस्त भरत को पकड़कर कॉमन रूम में रवि के पास ले गए हैं। भरत, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, आपके कॉलेज में आने की सजा मिली है मुझे। वो चार थे और मैं अकेला, और उनमें से एक बिल्कुल मेरे जैसा था। उसी का नाम तो रवि है। मेरे लिए तो आज वो शनि बन गया। कहने लगा, कोमल और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। कोमल, क्या रवि तुमसे प्यार करता है? मैं थूकती उसके प्यार पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस हद तक गिर सकता है। भरत मेरे साथ चलो, हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, फिर देखेंगे वो इस कॉलेज में। नहीं कोमल, इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में तुम्हारी बदनामी हो। भरत, और वैसे भी मुझे देर हो रही है, काम पर पहुंचना है। हम शाम को मिलेंगे। ओके ओके। बस बहुत हो गया कोमल, आज तक किसी ने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें क्या हक है किसी पर हाथ उठाने का? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम लोगों ने भरत को इसलिए पीटा क्योंकि वो मेरा दोस्त है? दोस्त? झोपड़े में रहने वाले उस दो टके के इंसान को तुम दोस्त कहती हो? I'm sorry, हमें पता नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया है। अरे हम तो तुम्हारे राहों में फूल बिछाना चाहते हैं, तुम्हें जिंदगी का हर सुख देना चाहते हैं, सोने चांदी से तोलना चाहते हैं। मुझे सोने चांदी से नहीं, उन बाजुओं से प्यार है जो दो वक्त की रोटी तो कमा सके, जिनको दुनिया उनकी मेहनत उनके नाम से जाने, जिनकी पीठ पर अपने A1 बाप के नाम का स्टैंप नहीं होता। कोमल, हमने आज तक जो चाहा है हमें मिला है। तुम्हारी मोहब्बत हमारी मंजिल है, हमारी जिंदगी का मकसद है। I love you. I hate you. इसका मतलब कि तुम उस भरत से प्यार करती हो? हाँ, मेरे दिल पर, मेरी जिंदगी पर, अगर मेरे प्यार पर किसी का हक है तो सिर्फ भरत का। I love him. और हाँ, एक बात मत भूलिए मिस्टर रवि कुमार, अगर मेरे भरत को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। Cheers! यार रवि, तू वाकई एवन बाप का एवन बेटा है। भरत और रवि का डबल रोल खेलकर कोमल के दिल में सिर्फ तू ही प्यार पैदा कर सकता था। बेटा, मेरे एवन बाप ने मुझे एक चीज सिखाई है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर काम में सक्सेस मिल सकता है, शर्त यह है कि उसे सोच के, समझ के, लगन से किया जाए। कोमल की बातें सुनकर मैं समझ गया कि यह हीरा किसी गरीब की आंख का तारा तो बन सकता है, लेकिन किसी अमीर के कोट का बटन नहीं। ए रवि, यू आर रियली अ जीनियस यार। एग्जैक्टली। रवि, तूने सारी बातें तो हम लोगों को बताकर की, मगर एक बात समझ में नहीं आई, ये तूने आरके का बीके ये कब करवाया? हाँ, उस दिन जब मैं भरत बनकर झोपड़पट्टी में रहने की जगह ढूंढने गया था, वहां मुझे एक गोदने वाली की दुकान मिली।
मैंने उसे हाथ पर लिखा आर के, मिटाने के लिए था। ना मुन्ना, ना ना ना, ये नहीं मिट सकता है। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी से निकलवा सकते हो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास दोस्त। तुम इस आर को बी कर सकते हो? इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चुटकी का काम है। लेकिन रवि, तू एक बात भूल रहा है कि कोमल गरीब भरत से प्यार करती है, और जिस दिन उस पर ये राज खुलने से पहले मैं कोमल के दिल से अमीरी और गरीबी का फर्क दूर कर दूंगा। कसम पैदा करने वाले की, क्या लग रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? कोमल, तुम तक पहुंचना और तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। तुम इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझ में और इस भरत में फर्क क्या है? वही जो जानवर और इंसान में है। गुस्से से और खिलती हो, मुश्किल हुआ समझाना। गुस्से और खिलती हो, मुश्किल हुआ समझाना। सीने में अब मचलता है, अरे सीने में अब मचलता है ये दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना। गुस्से से और खिलती हो, मुश्किल हुआ समझाना। सीने में अब मचलता है, अरे सीने में अब मचलता है ये दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना। हुआ समझाना,
कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। सोचता हूं कि आज सब कुछ बताकर मैं अपने मन का बोझ हल्का कर दूं। ये जानने के बाद कि अमीर बाप के लड़कों से तुम्हें नफरत है, मैंने सोचा कि गरीब भरत बनकर मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूंगा। मैं जानता हूं कि एक बार तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तो तुम जान जाओगी कि मैं उन अमीर लड़कों की तरह नहीं हूं जो अपने बाप की दौलत उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है कि सच्चाई जानने के बाद ना सिर्फ तुम मुझे माफ कर दोगी बल्कि तुम्हारे दिल में मेरे सच्चे प्यार का और भी यकीन हो जाएगा। कोमल, कोमल तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। कोमल भरत, क्या हुआ भरत? तुम कुछ कह रहे थे? जो कुछ कह रहा था उसे कहने का वक्त शायद इस वक्त गुजर गया। लेकिन जो मैं चाहती हूँ उसका वक्त आ गया है। क्या? तुम्हें अपने डैडी से मिलाने का। पापा, 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 अभी अभी बाहर गए हैं, कह रहे थे खाने के टाइम तक आ जाएंगे। ये मेरे पापा हैं। भरत, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हम दोनों का प्यार तुम्हारी जिंदगी की सारी कमियों को पूरा कर देगा। अब मुझे कोई डर नहीं। आलोक अंकल से मैं तुम्हारा हाथ मांग लूंगा अपने जन्मदिन पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज रवि कुमार द बर्थडे बॉय। रवि? हेलो कुमार साहब। हेलो मिस्टर प्रदीप गुप्ता, पटना से कब लौटे आप? कोमल, आओ बेटी, कुमार साहब से मिलते हैं। तो अब टाइम मिला आपको। गुस्ताखी माफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कुमार जी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। लो, पड़ गया ना हैरत में। ये मेरी बेटी कोमल है। नमस्ते अंकल। ये आपकी बेटी कोमल है और आप इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि अब आपको फुर्सत मिली अपनी बेटी से मिलाने के लिए। इसे देहरादून से आए हुए कितने दिन हो गए बताइए? मैंने सोचा इस खास मुलाकात के लिए एक खास मौका होना चाहिए, और आज से बड़ा मौका और क्या हो सकता है। शाबाश, हम खुश हुए। हाँ कोमल, ये है हमारे दिलो जान जिगर का टुकड़ा, हमारा बेटा रवि। आपका बेटा है ये जानकर तो खुश होना ही पड़ेगा ना अंकल। क्या मतलब? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं डैडी, ये मुझे अच्छी तरह जानती है। Really? मैं ही क्या, इन्हें तो सारा कॉलेज अच्छी तरह जानता है। जिंदगी की रेस में ये A1 रहना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ ये हर मैदान के अच्छे खिलाड़ी हैं। संगीत से प्यार है, फूलों के शौकीन हैं, कपड़ों की तरह गाड़ियां बदलते हैं और। आई शाबाश, लगता हमारे बेटे की खूबियों के बारे में हमसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे तुम्हारी तारीफ करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आखिर बेटी किसकी है? आई शाबाश। हेलो कुमार साहब। हेलो मिस्टर ओब्रॉय, एक्सक्यूज मी, तुम लोग बातें करो, हम अभी आते हैं। कसम पैदा करने वाले की, तुम्हारे यहाँ आने से इस घर की रौनक पड़ गई है। अगर मुझे मालूम होता कि ये तुम्हारी पार्टी है तो मैं कभी नहीं आती। कमाल है, मुझसे इतनी नफरत और मुझ जैसे शक्ल के इंसान से इतना प्यार। सूरत और सीरत में बहुत फर्क होता है रवि। कहा भरत जैसा फरिश्ता और कहा तुम जैसा शैतान। और अगर मैं भरत जैसा फरिश्ता बन जाऊं तो? इम्पॉसिबल। कागज के फूल असली फूल की खुशबू कभी नहीं दे सकते। कम ऑन रवि, सारे मेहमान आ चुके हैं, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ। यस डैड। एक्सक्यूज मी। आइए सरकार। शुड आई ब्लो द कैंडल्स? ओह यस। ओके। रुक जाइए कुमार साहब, रुक जाइए। इंस्पेक्टर तुम? माफ कीजिएगा, ये आपका बेटा रवि नहीं है। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? मैं ठीक कह रहा हूँ कुमार साहब, आपके बेटे रवि का खून हो गया है। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा बेटा, मेरा रवि मेरे पास खड़ा है? ये रवि नहीं, उसका हम शक्ल है।
ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर, मैं रवि हूँ। तुम क्या हो ये अभी पता चल जाएगा। इन कपड़ों को पहचानते हो? ये कपड़े तो मेरे हैं। और ये घड़ी? अरे ये घड़ी तो मैंने तुम्हें दी थी रवि। ये घड़ी तो मैंने अपने दोस्त सलीम को दी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। पुलिस को समंदर में तैरती हुई एक लाश मिली, इसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन कपड़ों और इस घड़ी से पता चलता है कि वो लाश आपके बेटे रवि की है। तब तो जरूर वो लाश सलीम की होगी। देखो इंस्पेक्टर, कपड़ों और घड़ी की बात छोड़ो, ये रवि है इसका जीता जागता सबूत मैं हूं, और फिर बचपन में मैंने इसके हाथ पे आरके लिखवाया था जो आज भी इसकी कलाई पे मौजूद होगा। कलाई दिखा दो बेटे। डैडी कलाई दिखा दो, इसमें घबराने की क्या बात है। डैडी वो चलो कलाई दिखाओ चलो। यानी कि भरत कौशल आपके बेटे रवि का हमशक्ल, जिसने आपकी दौलत का वारिस बनने के लिए आपके बेटे रवि का खून किया और खुद आपका बेटा बनकर यहाँ आ गया। नहीं ये झूठ है, मैंने कोमल के प्यार को पाने के लिए अपना नाम भरत रखा था। कोमल अमीरों से नफरत करती थी, मैं अमीर नहीं गरीब हूँ। इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैंने अपनी कलाई पर लिखा हुआ आरके को पीके में बदल दिया। डैडी मैंने आपसे एक बार कहा था ना कि मैं बहुत जल्द बहू के रूप में आपके लिए एक तोहफा लाऊंगा, मैं कोमल के लिए कह रहा था। मेरे सारे दोस्त इस राज को अच्छी तरह जानते हैं। सत्या तुझे तो सब कुछ मालूम है यार, बोलना सच्चाई क्या है। हरामजादे तू वही भरत है जो उस दिन कोमल की कार छोड़ने कॉलेज आया था। रवि ने और हमने मजाक में तेरी पिटाई भी की थी ताकि तू कोमल का पीछा करना छोड़ दे, और तूने उस दिन रवि को जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मिस्टर भरत तुम्हारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, भलाई इसी में कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। डैडी डैडी मेरा विश्वास कीजिए, आपकी सौगंध में आपका बेटा रवि हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट इंस्पेक्टर एक मिनट, इंसान की नजरें भले ही इंसान को पहचानने में धोखा खा जाए मगर जानवर की वफादारी कभी झूठी नहीं होती। सैमी जो रवि के साथ बचपन से बड़ा हुआ है खेला है, वो इस सच्चाई को जरूर साबित कर देगा। तुम ठीक बोल रहे हो। हरिया सैमी को लेकर आओ। जी थैंक्स अंकल, सैमी इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द सुलझा लेगा। डोंट वरी साहब, सैमी को किसी ने मार डाला। अच्छा अब समझा, तुमने इस बेजुबान की जुबान भी बंद कर दी ताकि ये तुम्हें पहचान ना ले। क्या अब भी तुम्हें इनकार है कि तुम भरत हो? हाँ इनकार है इंस्पेक्टर साहब, मैं भरत नहीं हूँ, मैं रवि हूँ रवि, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। सैमी डैडी आपको पता है ना कि मुझे डायरी लिखने की आदत है, कल रात तक की सारी बातें मैंने उस डायरी में लिखी। कहाँ है वो डायरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, सैमी को मार दिया गया, डैडी को गायब कर दिया गया। You swine, come on! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं डैडी, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। Come on, get up! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोमल, तुम तो झूठ नहीं बोल सकती। मैंने रवि के रूप में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हें पता है। याद है वो लाइब्रेरी जहां हम पहली बार मिले थे, वो ढेर सारे गुलाब, वो आई लव यू छपे अखबार, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मेरी कार की अगली सीट पर सिर्फ तुम ही बैठोगी। अब समझा ये तू रवि के बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानता है? तूने ये सब कुछ रवि की डायरी में पढ़ा होगा। बोल
वो डायरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो डायरी कहाँ है इंस्पेक्टर साहब, इन्हें बताओ ना कोमल। ना मत लो मेरा अपनी गंदी सुफान से। क्या समझा था भरत? तुम क्या निकले? दौलत की लालच में तुम इतना गिर गए कि तुमने रवि का खून कर दिया। कोमल, कोमल मेरी बात तो सुनो। भरत, बस बहुत हो गया, अब जो कुछ तुम्हें कहना है अदालत में कहना। जुर्म कबूल कर ले, इसी में तेरी भलाई है भरत। मैं भरत नहीं हूँ इंस्पेक्टर, मैं रवि हूँ रवि। वो लाश किसी और की थी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या एक्टिंग? अगर तू समझता है कि तेरी ये एक्टिंग तुझे फांसी के फंदे से बचा लेगी तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। तुझे सच कहना ही पड़ेगा। सच को सच मानने के लिए कोई तैयार नहीं है इंस्पेक्टर, अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो लाश रवि की नहीं। अच्छा? हाँ। आप कोई नई चाल सूझ रही है क्या? चाल नहीं इंस्पेक्टर, सच, जिसका आपको भी यकीन होगा। आपको याद है डैडी ने कहा था कि रवि के हाथ पे आर के लिखा है? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लाश के हाथ पे भी आर के लिखा होना चाहिए। होना तो चाहिए। नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि रवि मैं हूँ। प्लीज एक बार मेरा विश्वास कीजिए, मुझे उस लाश के पास ले चलिए। अल्लाह के वास्ते इंस्पेक्टर, आपको आपके फर्ज, आपकी वर्दी की कसम, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं तुम्हारी बात मान तो लूं, लेकिन लेकिन क्या इंस्पेक्टर? वो लाश कुमार साहब के हवाले की जा चुकी होगी और अब तक तो शायद उसका अंतिम संस्कार हो भी चुका होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, भगवान मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुमने मुझे मेरे फर्ज और वर्दी की कसम दी है भरत, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। माफ कीजिए कुमार साहब, इस वक्त मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। अगर मुझे आने में जरा सी भी देर हो जाती तो इस चिता के साथ साथ एक बहुत बड़ा सबूत भी जल जाता है। सबूत? कैसा सबूत? अगर ये रवि की लाश है तो इसके हाथ पे आरके लिखा होना चाहिए। हमें इस डेड बॉडी का हाथ चेक करना पड़ेगा। ये असंभव है, हमारी धार्मिक विधियां पूरी हो चुकी है, अब ये हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। पंडित जी, एक इंसान की जान बचाने के लिए अगर रीति रिवाजों को बदलना पड़े तो इससे धर्म घटेगा नहीं बल्कि और भी महान होगा। इन्हें समझाइए, अगर ये बात सच निकली तो शायद हमें अपना रवि मिल जाए। पंडित जी, पुलिस को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। आप गलत हाथ देख रहे हैं इंस्पेक्टर, हमने बाएं हाथ पे नहीं बल्कि रवि के दाहिने हाथ पे आर के लिखवाया था। इसके हाथ में तो आर के लिखा है।
आगे नहीं हो सकता, ये झूठ है डैडी, ये सब झूठ है, ये सब नाटक है, मुझे फंसाया जा रहा है। डैडी मैं आप ही का रवि हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। इसे हमारे सामने से हटा लो इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर का ज्वालामुखी फट जाए और हम अपने बेटे की चिता के साथ साथ इसकी चिता भी यहीं जला दे। इंस्पेक्टर, डैडी डैडी मुझे पहचानिए, मैं आप ही का खून हूँ, मैं आप ही का खून हूँ डैडी। वो लाश किसी भैरूपिये की है, हम सबके साथ धोखा हुआ है डैडी, हम सबके साथ धोखा हुआ है। साथ साथ हमारे सारे अरमान भी चले गए। कुमार, जब तक रवि का कातिल सांस लेता रहेगा, हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। आलोक, मेरे दोस्त, हमें भरत चाहिए, और वो भी जिंदा। उसे कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे, उसे हम सजा देंगे। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे?
डैडी आप? इसका मतलब ये लोग, ये सब हमारे आदमी हैं। तो क्या समझता था कि पुलिस की कस्टडी में रहकर तू हमारे कहर से बच जाएगा? आप गलत समझ रहे हैं डैडी। दौलत की लालच में तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। तुझे पता नहीं कि हम अंडरवर्ल्ड के राजा हैं। जुर्म की दुनिया का हर भेड़िया हमारे नाम से थर्राता है। डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? आप पर अंडरवर्ल्ड? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नाटक मत कर लड़के, नाटक मत कर। तेरी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। पता कौन है वो हरामजादा जिसने इस बात का फायदा उठाने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है? देख, बता दे वरना तेरे शरीर का रोआ रोआ मौत की भीख मांगेगा। लेकिन हम तुझे मरने नहीं देंगे। बोल कुमार साहब, इसकी जुबान उस वक्त तक सच नहीं बोलेगी जब तक इसके जिस्म की बोटी बोटी ना काट दी जाए। हाँ, काट डालो मेरे जिस्म की बोटी बोटी, मेरे खून का कतरा कतरा निकालो, मगर भगवान की सौगंध, हर कतरे से यही आवाज आएगी कि मैं रवि हूं। कोमल को पाने के लिए मैं भरत बना। मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर है तो एक अनदेखा शैतान जो मुझे फंसाना चाहता है, मेरे रवि से भरत बनने का फायदा उठाना चाहता है, बेटे को चारा बनाकर बाप का शिकार करना चाहता है। हाँ डैडी, वो मेरा नहीं आपका दुश्मन है, आपका। शब्दों के जाल में उलझा कर हमें बहकाने की कोशिश मत कर लड़का। अब तक मेरी जुबान तुझसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन अब जवाब देगी तेरी जुबान और सवाल करेगा हमारा इंतकाम। पकड़ो इसे। नहीं, हमें हमारा दुश्मन जिंदा चाहिए, उसे सजा हम देंगे और कोई नहीं। पकड़ो उसे। कोशिश मत करना,
अगर तुमने शोर मचाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कोमल हो। क्यों आए तुम यहाँ? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी चाहत ने ही आज मेरी यह हालत कर दी है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ डैडी के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े। इसकी जिम्मेदार हो तुम, तुम्हारा लालच। तुम रवि का खून करते। मैंने कोई खून नहीं किया। रवि जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है कोमल। यही साबित करने के लिए तख्ती मुझे यहाँ ले आई, और आज कूदने वाला चाचा मेरी सच्चाई को साबित कर देगा। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। Hands up! छोड़ दो कोमल को, वरना शूट कर दूंगा। आपकी गोली चलने से पहले मेरा चाकू कोमल की गर्दन पर चल जाएगा अंकल। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस चाल में मुझे उलझाया गया है उसे तोड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, नहीं। ये लो, मुझे बाहर तक ले जाओ। मूव। कम ऑन भारत, तुम पागल हो गए। तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो। भारत, चाचा, चाचा। अरे तू? चाचा कोमल को बताइए असलियत क्या है। मैं कौन हूं और इस आरके कभी क्या आप ही ने किया बताइए। ओ मैं तुम नहीं मर सकते चाचा। मेरी सच्चाई की आखिरी गवाह सिर्फ तुम हो। अगर तुमने कोमल को सच नहीं बताया तो मेरा प्यार बर्बाद हो जाएगा चाचा। रवि, मरने से पहले चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आरके को पीके मैं नहीं बनाया था, रवि ही भरत है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, इसके पहले कि पुलिस के हाथों पड़ जाए। उसे मेरे सामने पेश करो। उसे पाने के लिए हम अपनी सारी दौलत सारी ताकत लगा देंगे। बड़ा घमंड था कुमार को अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर। हमने उसे रोने पर, तड़पने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। पाशा अंबानी साहब, कुमार को बर्बाद करने के लिए आप जो चाहे मैं कर सकता हूँ। पुलिस और कुमार के आदमी उस हरामजादे छोकरे के पीछे हैं। तुम उस हराम के पिल्ले को अपने कब्जे में कर लो। कहिए तो उसे खत्म कर दूं। नहीं पाशा, नहीं। वो छोकरा एक ऐसी चिंगारी है जो कुमार की लंका को जलाकर राख कर देगी। देख रहे हो अपने प्यार की जीत। इस जीत को पाने के लिए कितने दुख उठा रहे हो तुम। काश मैंने तुम्हारे प्यार को समझा होता, ना तुम भरत बनते और ना तुम्हारी हालत होती। तुझ पे सनम मरने वाले, तुझ बिन भला क्या जिए।
बसने लगी हो ख्वाबों के आंगन में, ओ बनके हकीकत बसने लगी हो ख्वाबों के आंगन में। मालिक, ये रहे आपके कपड़े और वो सब सामान जो आपने मंगाया था। थैंक यू। डैडी कैसे हैं लक्ष्मी? अब क्या बताएं छोटे मालिक, उन पर तो सिर्फ एक ही जुनून सवार है, भरत को तलाश करना और अपने हाथों से उसे खत्म करना। सत्यजीत और विकी का कुछ पता चला? सत्यजीत और विकी का कोई पता नहीं चला बीबी जी। हाँ, सलीम हॉस्टल में रहता है इतना मालूम हुआ है। हॉस्टल आ गया? हाँ, इसी बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल है जहाँ सलीम रहता है। मैं भी उसे मिलकर आता हूँ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं कोमल, मुझे अकेले जाना चाहिए। और वैसे भी बॉयज हॉस्टल है, तुम्हारा आना ठीक नहीं। मैं भी आता हूँ। बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, कौन है, कौन है, कौन है? अरे रवि दिख रहा है, तुम आओ आओ आओ। अरे कि सर से सिंह के माफी किधर गायब हो गया था? बाबा जी सलीम है। सलीम तो गया होगा अपनी अनारकली के पास, आजकल उसके पास रोकड़ा बहुत आ गया है। इतना रोकड़ा उसके पास आया कि नहीं? वो सब रहने दो, कितने बजे तक आएगा? वैसे तो वो एक नंबर का टपोरी है, लेकिन उसमें क्वालिटी है कि अक्खा मुंबई का मजा मार के रात को ठीक 10 बजे वो हॉस्टल के अंदर आ जाता है। अभी तो 9:30 बजे। हाँ। मैं उसके कमरे में इंतजार कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं विक्रम, भी तेरे, ये हॉस्टल भी तेरा और ये चाबी भी तेरा। चाय भाई भेजू के वो?
लॉकअप से भागा हुआ मुजरिम, पकड़ने वाले को 50,000 का इनाम। हेलो पुलिस स्टेशन, पच्चीस साल की नौकरी में पहली बार 50,000 रुपया रोकड़ा एक साथ देखने को मिलेगा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। नमस्ते नमस्ते। फोन आप ही ने किया था? फोन मैंने किया था। आइए नहीं मैं बताता हूँ वो किधर है। इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है किधर है इधर किधर है। मैंने तो उसको इधर ही भेजा था, अभी उसका भेजा उसको किधर ले गए मेरे को नहीं मालूम। तब तो चारों तरफ से घेर लो, मुल्जिम यही कहीं होगा। नहीं मिला, लेकिन मुल्जिम पुलिस से बचकर नहीं जा सकता। शट अप। क्या हुआ मिला? यहाँ तो कोई नहीं है सर। बाबा जी जी तुम एक नंबर का चर्सी दिखता है, बिला वजह हमारा टाइम खराब करता है। दोबारा पुलिस को गलत खबर दी तो अंदर कर दूंगा। साला हमारे नसीब में एक साथ में 50,000 रुपया देखने का लिखा ही नहीं है तो कोई क्या करेगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। We'll be right back.
गोली नहीं चलाएगा, इसे हमें जिंदा पकड़ना है। पीछे करो। बेबी को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस पर भरोसा रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। ओह, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। खुद पे काबू रखो आलोक। कैसे काबू रखूं कुमार? कोमल मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। एक बाप होने के नाते तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी आलोक। ये कुमार का वायदा है। जानते हो कोमल, सलीम भी मारा गया। जल्दी कौन थे ये लोग? मेरे पिताजी के आदमी। समझ में नहीं आता वो कौन है जिसने अंकल को तुम्हारा दुश्मन बना दिया। वो जो भी है अब ज्यादा दिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। देखो वो दोनों कहीं यहां ना छुपे हो। दोनों ने कोमल, कोमल क्या? पुलिस। तुम लोग इधर जाके देखो और तुम लोग उधर जाके देखो। ए, तुमने यहां किसी एक लड़का और लड़की को आते देखा है? नहीं साहब, यहां कोई नहीं आया। पाटिल कोई मिला? चारों तरफ देख लिए, कहीं पता नहीं दोनों का। कोई Thank you.
वो दोनों इसी इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस की वजह से इन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तुम फौरन सत्यजीत को अपने कब्जे में कर लो। इतना याद रहे, वो छोकरे के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? जय दुर्गा माँ, ये तो चमत्कार है जो तुम दोनों उस भट्टी से जिंदा बच निकले। आज दुर्गा माँ की बड़ी पूजा है जिसने तुम दोनों को नया जीवन दिया है। अब माँ ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिख रही है। Oh, 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 oh
इल्जाम मुझ पे जो तू वो मिटा दे, मोहब्बत के राही वो मंजिल दिखा दे। क्यों बोला? किस वजह से तूने ये किया? रवि है। वो एक खूनी है, कातिल है, और मैं अपनी बेटी के नाम के साथ ऐसे कोई आदमी का नाम सुनना पसंद नहीं करूंगा, समझी? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पेट्रोल क्यों फेंक रहे हो मुझ पर? दगा करने वालों को भगवान नर्क की आग में जला देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। यहां जल जाओगे तो नर्क में जलने से बचाओगे। नहीं, नहीं, नहीं। जरा फोन देख। हेलो। हाँ हाँ यस सर, एक मिनट। हेलो हेलो अंबानी। हाँ, हमने सत्यजीत को खत्म कर दिया है। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, वो छोकरा हवाई लेक के पास वाले कॉटेज में छुपा हुआ है। पाशा, अब वक्त आ गया है कुमार की हार और हमारी जीत का। हेलो कोमल, तुम ठीक तो हो ना? रवि, पापा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ रवि। तुम यू बास्टर्ड, रवि बनकर तू मेरी बेटी को गुमराह कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे वरना हम तुझे जान से मार देंगे। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इतना याद रखना, पाप बनकर अगर हम तुम्हारे लाड उठा सकते हैं तो अपनी इज्जत पर दाग बनने पर तुम्हारा गला भी खोल सकते हैं।
हमारे साथ चलना होगा। हेलो कुमार। बोलो अंबानी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी आवाज पहचान जाओ। हम अपने दुश्मन की आवाजें नहीं बल्कि उसके हर चाल को अच्छी तरह पहचानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मेरे बेटे का कातिल तुम्हारी हिरासत में। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि उसके बदले में मुझे क्या चाहिए। तुम अपनी औकात बोलो अंबानी। मेरे वो सारे शेर जो तुमने खरीद रखे हैं, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, मुझे सब चाहिए, सब। ठीक है, मिल जाएंगे। तुम इस कमीने को लेकर फौरन मेरे पास आओ। मैं नहीं, तुम आओगे। How are you, Mr. Ravi Kumar? तो तुम हो वो खिलाड़ी जिसने मुझ पर मेरे खून का इल्जाम लगा दिया। ठीक पहचाना। तुम्हारे डबल रोल का फायदा उठाकर तुम्हें बंदर की तरह नचाने वाले हम ही हैं। अब अपने मदारी बनने की वजह भी बता दो। जबान बहुत तेज चलने लगी है बरखुरदार। शुक्र करो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना अब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। और मेरे एक इशारे पर तुम खड़े खड़े अब तक परलोक पहुंच जाते, मिस्टर रवि कुमार। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम्हारे आदमी चाहते तो मुझे कब का गोली मार देते, मगर वो मुझे मारना नहीं, पकड़ना चाहते थे। यही सोचकर कल रात मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, ताकि मैं जान सकूं इस साजिश के पीछे कौन है। तुम्हारी ये समझदारी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी, ये तुम थोड़ी देर में जान लोगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया, इसकी वजह क्या है। वजह है तेरा बाप कुमार, जिसके उठे हुए सर को मैं झुकाना चाहता हूं। तेरे रवि से भरत बनने का फायदा उठाने के लिए मैंने तेरे दोस्त सत्यजीत और सलीम को खरीद लिया, लेकिन तेरा तीसरा दोस्त विक्की, बोल हरामजादे, रवि के खिलाफ गवाही देगा कि नहीं। तुम मुझे जान से भी मार दो तो भी मैं कहूंगा नहीं। पागल मत बन विक्की। अंबानी साहब, हम तीनों को 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। मालूम, मैं तुम लोगों की तरह नमकराम नहीं हूँ। मैं रवि जैसे दोस्त से गद्दारी नहीं करूंगा, भले ही ये मुझे 3 करोड़ रुपए क्यों ना दे दे। बास्टर्ड, तुम तो गवाही नहीं देगा। वेलकम मिस्टर कुमार, अपने बेटे के कातिल की कीमत लाए हो। इस बैग में हीरे जवाहरात के अलावा सारे कागजात मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि हमने अपनी तमाम जायदाद, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी है। इसे कहते हैं दीवानगी। वेरी नाइस। अपने बेटे के कातिल को मारने के लिए तुम अपने आप को कंगाल कर लोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अपनी इकलौती औलाद की मौत पे खून के आंसू बहाने वाले बाप की नफरत को तो जैसा पैसों का लालची कभी नहीं समझ सकता। समझ है अपनी अपनी। तुम भरत को हमारी ओर भेजो, हम ये बैग तुम्हारी ओर फेंकते हैं।
जाओ दोस्त, तुम्हारी मौत तुम्हें लेने आई। हमें माफ कर, तुम्हें हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी रवि बेटे। इसका मतलब तुम जानते थे कि ये तुम्हारा हमारा बेटा रवि है। वो बाप ही क्या जो अपनी औलाद की आंखों में देखकर उसे पहचान ना सके, इसीलिए हमने इसे पुलिस के कब्जे से छुड़ाया। हमने तलवार का वार उस हथकड़ी पे किया ताकि वह कट जाए। हमने ही अपने नौकर लक्ष्मी का आदेश दिया कि इसे अपने घर में पनाह दे। दरअसल हम उस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहते थे जिसने हमारे बेटे को मौरा बनाकर हमारे साथ ही बाजी खेलने की हिम्मत की। डैडी, ये वो कमीना नहीं बेटे, ये वो कमीना नहीं है। ये कमीना वो खिलाड़ी नहीं है बेटे। चींटी की चाल और लोमड़ी की चालाकी को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अंबानी जैसी चींटी का सहारा लेकर शेर का शिकार करने की हिम्मत करने वाली और लोमड़ी कौन है, इसका नाम हमें अंबानी बताएगा। अब बोल अंबानी। आलोक, अंकल आप? हाँ मैं, तुम्हारे बाप का वफादार साथी, तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। याद है वो दिन कुमार, जिस दिन तुमने बारूद और हथियार का जखीरा उतारने के लिए नरेश को मौत की सजा दी थी और मैंने तुमसे कहा था इसने पहली बार गलती की है, इसे माफ कर दो, ये मेरा भाई है। आलोक, अगर हमारा भाई या हमारा बेटा भी इसकी जगह होता तो हम उसे भी यही सजा देते। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि नरेश की मौत का तुमसे बदला लूंगा, और ऐसा बदला जो तुम्हारे उसूल और तुम्हारी देशभक्ति की धज्जियां बिखेर देगा। ये जानकर कि रवि भारत बना हुआ है, मैंने तुम्हारे दुश्मन अंबानी से हाथ मिलाया। मैं चाहता था तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बेटे का खून करवाऊं, उस खून के जुर्म में तुम्हें सजा दिलवाऊं, और जब तुम जेल की सलाखों में फांसी का इंतजार करो मैं तुम्हें रवि की डायरी दूं ताकि तुम अपने हाथों हुई अपने बेटे की मौत पर तड़पो, रो, खून के आंसू बहाओ, उसी तरह जिस तरह मैं अपने भाई को अपने हाथों से मार के खून के आंसू बहा रहा हूं। भगवान हमेशा सच्चों का साथ देता है आलोक, तुम गलत हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। तुम बाप बेटे को अपने हाथों से कत्ल करने की ख्वाहिश को आज भगवान भी नहीं रोक सकता। इस गलत ख्वाहिश को मैं रोकूंगी पापा। कोमल, तुम हथियार फेंक दीजिए पापा, वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। कोमल, समझने की कोशिश करो, तुम बच्ची हो, नादान हो। नादानी आप कर रहे हैं पापा, जो अपनी बेटी की खुशी। अंबानी, छोड़ दो कोमल को। छोड़ दूंगा, पहले तो कुमार और रवि को तो छूट कर। नहीं पापा, आपको मेरी कसम, आप ऐसा मत करिए। नहीं अंबानी, मैं अपनी इकलौती बेटी की कसम नहीं तोड़ सकता। कोमल को छोड़ दे वरना। ये दिल भी अजीब दीवाना है आलोक बाबू, बेटी की मोहब्बत में तुम्हारे दिल में भरी हुई बदले की आग को ठंडा कर दिया और हमारे दिल की आग को भड़का दिया। हरामजादे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तेरी बेटी, Ah!
डैडी, ये क्या कर दिया आपने? हमारी वजह से तेरा बहुत खून बहा है बेटे, आज अपना खून बहा के बड़ा मजा आ रहा है। कुमार साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा बेटा रवि बिल्कुल निर्दोष है। डैडी, रो मत दोस्त कोमल, हम तेरे दीवाने को अब तेरे हवाले करते हैं बेटे। बनके मोहब्बत तुम तो बसी हो यादों के दामन में, मेरे मन में तुम हो, मेरे मन में तुम हो, मेरे मन में तुम हो, मेरे मन में।